सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मार्कंडेय जी के जो जीवन था उसकी आयु थी 12 वर्ष। 12 वर्ष। एक बार देवर्षि नारद और अंगिरा ऋषि दोनों लोग मार्कंडेय जी के घर गए उनसे पिता से मिलने, जिनका नाम था मार्कंडू, और उनके पिताजी के पास बैठे उन्होंने उनका अभिवादन किया और सब कुछ किया, चर्चा चली। तो बोला ये मेरा बालक है और बड़ा सुंदर बालक, बड़ा ज्ञानी बालक, सब कुछ बालक। अब देवर्षि नारद तो त्रिकाल जानते हैं, त्रिकालज्ञ हैं, तो उन्होंने तुरंत कहा कि ये आपका बालक है। बोला हाँ, क्यों? बोला आपके बालक की आयु कितनी हो गई? बोला 11 वर्ष हो गई है। बोला आपके बालक की आयु तो बस 1 वर्ष और शेष है। मार्कंडू जी बड़े दुखी हुए, बोला क्या कह रहे हैं? बोला हाँ, आपका बालक सिर्फ 1 वर्ष और जिएगा, इसकी आयु ही 12 वर्ष है। मार्कंडू ऋषि बड़े चिंतित हो गए। इतने में मार्कंडेय जी आए और अपने पिताजी को प्रणाम करके कहते हैं, पिताजी आप इतने बड़े शिव भक्त हैं और आप अगर ये सोच रहे हैं कि मेरी आयु कम है, तो मैं समझता हूं कि आपको शिव के ऊपर भरोसा नहीं है। सिर्फ आप पूजा ही करते रहे क्या, जाप ही करते रहे क्या, चिंतन ही करते रहे क्या? वो लोग तो कहकर चले गए। मार्कंडेय जी कहते हैं कि पिताजी मुझे भी शिव पूजा करनी है। और उन्होंने एक लिंग स्थापित कराया और उस शिवलिंग को स्थापित करके मार्कंडेय भगवान की आराधना में लग गए और महामृत्युंजय मंत्र का साधन पकड़ा। वो नित्य महामृत्युंजय जाप करते और भगवान शिव को रुद्राभिषेक करते। देखिए अभिषेक की महिमा कितनी है। भगवान को बहुत प्रेम से, बहुत आनंद से अभिषेक करते जिसकी आयु 1 वर्ष रह गई है, और इतनी 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 मन से, इतने कर्म से, इतने वचन से उन्होंने इस कार्य को किया कि जब 12 वर्ष पूर्ण हुए, काल ने कहा कि जाओ उस बालक की आयु पूरी हो गई, ले आओ। जब दूत आए तो दूत को मार्ग में अवरुद्धता मिली, बार बार एक साया मिलता त्रिशूल लेकर। वो लौट गए क्योंकि आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। यमराज से जाके बोला, यमराज स्वयं सवारी पे, अपनी भैंसे की सवारी पे जो आते हैं वो जब आए तो मार्ग में सामने साक्षात महादेव खड़े हैं। महादेव ने कहा कि क्यों भाई, कहां जा रहे हो? बोला उस बालक को लेने, उसको लेने तुम मत जाओ। तब श्री महाकाल सामने जब खड़े हैं और एक वो यमराज सामने खड़ा है, तो यमराज कहता है कि प्रभु ये कार्य करने का आप त्रिदेवों ने मुझे कार्य सौंपा है, फिर मेरे कार्य में अवरुद्ध क्यों? इतना कहा तो महादेव को और क्रोध आ गया क्योंकि महादेव कह रहे हैं जब नहीं तो नहीं। तो महादेव ने कहा कि देखो, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो यमराज मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा, लेकिन उस बालक को तुम हाथ नहीं लगा सकते, मैंने उसको चिरंजीव कर दिया है। चिरंजीव, चिरंजीव का मतलब अमर कर दिया। और मार्कंडेय जी को उन्होंने अमर कर दिया और ऐसा अमर किया कि वो सभी कालों में, सभी लोकों में, अर्थात सभी कल्पों में दिव्यता से विराजमान रहते हैं। वही मार्कंडेय जी का वर्णन श्रीमद् भागवतम के अंतिम पृष्ठों में आता है, जिसमें उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि मुझे मालूम नहीं प्रलय कब हो, कैसे हो, लेकिन मैं प्रलय देखना चाहता हूं, आप मुझे प्रलय दिखाइएगा। तब भगवान ने उनको प्रलय के दर्शन कराए थे। कहने का तात्पर्य है कि जिस बच्चे की आयु 12 वर्ष बची थी, उस बच्चे ने 1 वर्ष के अपने पूर्ण श्री महादेव की पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक और आदि कार्यों को करके अपने जीवन को अमर कर लिया। ये है शिव के अनुष्ठान रुद्राभिषेक से जुड़ने का फल।